नहीं फ्रेंड्स, अभी मैं आपको लैंसडाउन ले चल रही हूँ, जो कि समुद्र तल से 1706 मीटर की ऊंचाई पर पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित एक बहुत ही प्यारा सुंदर सा हिल स्टेशन है। साथ ही यह गढ़वाल राइफल्स का एक कमांड ऑफिस भी है। अगर आप बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, पैडलिंग के शौकीन हैं तो यह आपके लिए एक बहुत ही आदर्श स्थान है। यहाँ आकर आप सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हिमालय के बहुत खूबसूरत नज़ारों का आनंद उठा सकते हैं। साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं ब्रिटिश काल के खूबसूरत वेल प्रिजर्व ब्रिटिश बंगलो और चर्च। लैंसडाउन की हमारी ये यात्रा आपको कैसी लगी, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन बताना मत भूलिएगा, सो दैट नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए एक्साइटिंग और खूबसूरत वीडियो ला सके। Hey friends, लैंसडाउन पहुंचने के बाद हमारा सबसे पहला पड़ाव है टिपिंग टॉप। ये वो जगह है जहां से हिमालय के बहुत ही खूबसूरत नजारों का आनंद उठा सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहां के नजारे ही कुछ खास होते हैं, तो आइए और हमारी आंखों से लैंसडाउन के प्यारे खूबसूरत नजारों को आंखों में कैद कीजिए। मुझे पता है आप इसे जरूर पसंद करेंगे। मैं अभी टिपिंग टॉप पर हूँ। अद्भुत है ये, सचमुच अनोखा। मैं महसूस कर सकती हूँ बारिश के मौसम में यहाँ के तो नजारे ही कुछ खास होते होंगे। हर तरफ हरी भरी वादियाँ, आज मैं ऊपर और आसमान नीचे वाली फीलिंग आ रही है। मैं प्रकृति की बहुत बड़ी प्रेमी हूँ और मुझे जब भी ऐसा मौका मिलता है मैं ऐसे दृश्यों को आंखों में कैद करने से खुद को रोक नहीं पाती, और इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। पहाड़ों पर आना हमें यह एहसास कराता है कितने छोटे हैं हम प्रकृति के सामने, उस बनाने वाले के सामने कितना छोटा वजूद है हमारा। हमें यह महसूस करना ही चाहिए। ये देखिए प्रकृति की खूबसूरती, कोई कमी नहीं रखी, सब कुछ बिखेर दिया। एक तरफ खूबसूरत गांव और दूसरी तरफ ये हरे भरे पेड़, इतना प्यारा लग रहा है ये, मैं बयान नहीं कर सकती। ये देखिए ये छाप देख रहे हैं आप मुझे तो नजर आ रहे हैं। वेल, मैं इनमें से कोई नाम को पढ़ नहीं पा रही, लेकिन जब भी आप नेक्स्ट टाइम आए कुछ पढ़ने की कोशिश जरूर कीजिएगा। लोगों ने यहाँ अपनी अमरता की छाप छोड़ी है, शायद वो इन्हीं पत्थरों के द्वारा अमर होना चाहते हैं। वेल, यहाँ की अमरता को मैंने तो अपनी आंखों में कैद कर लिया है, जो कभी ना मिट सकने वाली है। किसी ने क्या खूब कहा है, अपने अस्तित्व को पहचानना हो तो पहाड़ों की ऊंचाइयों को देखो, खुद का अंदाजा लग जाएगा। और शायद यही करने मैं हमेशा पहाड़ों की चोटियों पर आती हूँ। मुझे ये करना बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे मेरी वास्तविकता से मिलाता है ये। कितनी छोटी हूँ मैं, सचमुच बहुत छोटी। ये वाज के वृक्ष हैं, जिनके पास बहुत ही ठंडी हवा बहती है। इन पेड़ों में कुछ ऐसी खासियत होती है, गर्मियां बहुत बढ़ चुकी है लेकिन यहाँ हवाएं अब भी उतनी ही ठंडी है, स्वाभाविक है। We are here on the place of Tipping Top, and we are just going to ask the visitor that from where he comes from and what he just want to do here and how exciting this place is about. So sir, please आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। आप यहाँ Tipping Top पर खड़े हैं और आप यहाँ क्या देखने आए हैं, मतलब क्यों इस जगह पर? हम दिल्ली से आए हैं तो जस्ट चेंज के लिए यहाँ पे। उत्तराखंड का बहुत ही बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है ये लैंसडाउन। लोग अभी बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे मैं देख रहा हूँ कि जान रहे हैं लोग यहाँ पे, तो बहुत ही बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। वेदर मतलब बहुत ही चेंज हो जाते हैं यहाँ पे आके। दिल्ली में जैसे लोग सोचते हैं, और बहुत ही पास में है, ये है कि बहुत दूर भी नहीं है यहाँ पे, दिल्ली से बहुत नज़दीक है, तो इसलिए यहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए तो कई बार तो यहाँ जगह भी नहीं मिलती, लेकिन होटल्स वगैरह उसकी थोड़ा कमी है यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे एक्चुअली कंटोनमेंट एरिया है, तो इस वजह से थोड़ा ये आर्मी का एरिया का कंटोनमेंट एरिया। हाँ,
तो आपको यहाँ का टेम्परेचर वेदर कैसा लगा? वेदर बहुत ही प्लेजेंट वेदर है यहाँ से। और अभी दिल्ली में तापमान क्या चल रहा है? दिल्ली में चल रहा है नियर अबाउट 40 के आसपास। 40 एंड व्हाट यू आर फीलिंग हियर? हियर इज प्लेजेंट वेदर नियर अबाउट 12 और 10 डिग्री से तो यहाँ पे वी आर फीलिंग रिलैक्स। हाँ, आपने टिफिन टॉप विजिट कर लिया? टिफिन टॉप अभी जा रहे हैं, हम अभी आए हैं। आपने और क्या क्या प्लेसेस अभी देखे? अभी तो कोई नहीं देखा, फर्स्ट हम टिफिन टॉप ही जा रहे हैं, उसके बाद संतोषी माता मंदिर देखेंगे। ओके, वेरी गुड टेम्पल, यहाँ पे 1 किलोमीटर साथ में है। हाँ, तो हम देख सकते हैं कि सर आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम सुनील है। सुनील फ्रॉम दिल्ली एंड ही इज हियर टू एंजॉय द वेदर ऑफ लैंसडाउन। लैंसडाउन के बाद हम निकल पड़े जंगल रिसोर्ट के रास्ते की तरफ। ये रास्ता लैंसडाउन से हटकर है, आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एडवेंचर के शौकीनों के लिए ये खोजी नेचर ही काम आता है। आप देख सकते हैं ये आर्मी एरिया है, आर्मी के जवान यहाँ आपको आराम से दिख जाएंगे, इसलिए यहाँ सुरक्षा की कोई चिंता नहीं। मैं यहाँ देख सकती हूँ सड़क की चौड़ाई भी काफी है, एक कार को निकलने के लिए तो है ही। वेल, मेरी स्कूटी को तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपके पास भी अगर अपनी बुलेट है या स्कूटी है तो आप ऐसी सड़कों पर राइड करने का कोई मौका मत छोड़िएगा। वेल, मैंने तो नहीं छोड़ा, बाकी आपकी इच्छा। यू नो, ऐसे सफरों में सफर का बिल्कुल पता नहीं चलता, क्योंकि पहाड़ों से आने वाली ये ठंडी ठंडी हवाएं आपके दिल और दिमाग को बिल्कुल ताजा रखती है, बिल्कुल माउंटेन ड्यू की तरह। वो गाना मुझे याद आ रहा है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। जर्नी अगर इतनी शानदार हो तो मंजिल तक पहुंचने की हमें जल्दी नहीं होती। वेल, आज हमारी मंजिल है जंगल रिसोर्ट और उसका रास्ता है बेहद एडवेंचरस। तो ऐसी जगह पर मुझे मेरा फेवरेट गाना याद आ रहा है, ये खुला आसमां ये हंसी वादियां, अगर जब भी आपका दिल करे कोटद्वार से लेकर लैंसडाउन तक जंगल रिसोर्ट की यात्रा करने को, तो ये बहुत ही नजदीक है, थोड़ा सा एडवेंचर तो होना ही चाहिए। वेल, हम अपने अगले पड़ाव जंगल रिसोर्ट की तरफ आ चुके हैं। सचमुच अद्भुत है ये, हमने ऐसी कल्पना नहीं की थी। ये बहुत ही अनोखा है, खूबसूरत है। पहाड़ों के बीच में बसाया हुआ ये जंगल रिसोर्ट सचमुच हमारी सारी थकान को मिटा देने लायक है। हमने 2.5 किलोमीटर की जर्नी की, लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा कुछ एहसास नहीं हो रहा कि हम भरी धूप में अपनी स्कूटी को धरान पर चलाते हुए यहाँ तक आए हैं। अनोखा है ये, मेरी तो सारी थकान मिट गई और मुझे लगता है कि मैं यहाँ कुछ खास करने वाली हूँ। ये स्विमिंग पूल, मैं तो इसका पूरा आनंद उठाने वाली हूँ। वेल, आप जब भी आए जंगल रिसोर्ट आने के पहले एक बात का ख्याल जरूर रखें कि यहाँ पर आपको कुछ खाने पीने की बहुत बहुत ही बेहतरीन चीजें तो नहीं मिलेंगी। हाँ, हमने तो यहाँ पर आने के बाद लस्सी पिया। अगर आप कोल्ड ड्रिंक के शौकीन हैं तो वो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि लस्सी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी। के पहले आप अपने पास कुछ खाने पीने का सामान जरूर रख लें, क्योंकि यहाँ की जो ट्रैकिंग है तो वो सचमुच आपकी भूख को बढ़ा सकती है, दुगना कर सकती है। जंगलों में आने के बाद हमारी थकान बिल्कुल मिट सी जाती है, हम बिल्कुल नए हो जाते हैं। इतना एनर्जेटिक फील कर रही हूँ मैं बता नहीं सकती, लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसा करूँ जो सचमुच ये महसूस करवा दे आपको कि जंगल रिसोर्ट आना अपने आप में कितना अनोखा है और आपको यहाँ आना ही पड़े। मैं आपको मजबूर करना चाहती हूँ यहाँ आने के लिए।
मैंने तो कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था, लेकिन अब मैं चाह रही हूं कि मैं यहां पर उस युग का प्रसिद्ध गाना 1 2 3 कर ही लूं। सचमुच मुझ में फीलिंग आ रही है कुछ ऐसा करने की। ऐसे मौके हमें बार बार नहीं मिलते, सचमुच ढूंढ निकालने पड़ते हैं, और शायद आज मैंने वो मौका ढूंढ ही लिया। मैं तो यहां 1 2 3 करने वाली हूं। आशा है आप भी इसे एंजॉय जरूर करेंगे। हमारी ये यात्रा आपको कैसी लगी हमें आप कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलें। Body me! Body me!